अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और एक दफ़ा फिर बहुत ज़बरदस्त और चटपटा सा हम बनाने जा रहे हैं मगज़ फ्राई, और जो कि हमने मटन का लिया है और तकरीबन 3 से 4 ये हमारे पास बकरे के मगज़ हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सा हम इसको बनाने जा रहे हैं। फ्राई करेंगे, मसाला भूनेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये है कि एक पैन में हम तकरीबन 3 गिलास पानी ले लेंगे और उसमें इस ब्रेन को, मगज़ को बॉईल करेंगे अच्छे से, और इसमें थोड़ा सा हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे, और उसके बाद हम इसकी रगों की सफाई करेंगे। और अभी हम सबसे पहले इसमें ब्रेन को डाल देंगे, मगज़ को डाल देंगे, और अच्छे से इसको मीडियम आंच पे बॉईल करेंगे। और जब ये बॉईल हो जाएगा तो उसके साथ ही जो है हम इसकी सफाई अच्छे से करेंगे तमाम रगों को। आप खुद देखिएगा, थोड़ा बारीकी का काम होता है, लेकिन जब खाने पीने के शौकीन हों तो ये सब तो करना पड़ता है। और अब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच डाला है और मीडियम आंच पे इसको हमने रख दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन 20 मिनट बॉईल होने के बाद जो है मगज़ अच्छे से गल गया है। और अब ये जो ऊपर से ब्लैक स्किन नज़र आ रही है, इसको हम रिमूव करेंगे अच्छे से सफाई के बाद। इसका मसाला भूनना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाके अब हम इसकी सफाई कर रहे हैं। इस तरह से करनी है, बिल्कुल ये रगें और बारीक बारीक रेशे जो हैं इसको बिल्कुल हटा देना है। ये देखिए, वैसे तो बहुत मुश्किल नहीं है ब्रेन का मसाला बनाना और मगज़ फ्राई करना, लेकिन बस इस काम में थोड़ा सा वक्त लगता है। और ये देखिए, साथ में मैंने एक हेल्पर भी लगा लिया है अपने साथ, क्योंकि काफ़ी बारीकी का काम है। ये देखिए कितना साफ़ हो गया है बॉईल होने के बाद और साफ़ होने के बाद। और इसके साथ ही ये हम इन चीज़ों से इसका मसाला बनाएंगे, जिसमें प्याज है, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है, और हल्दी है, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च है, और प्याज तकरीबन हम लेंगे 1 दरमियाने साइज़ की। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है, भुना होता है, फ्राइड मगज़ होता है। अब ये देखें, पैन में हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, इसमें हमने प्याज को डाल दिया है। हल्की आंच पे हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। ये देखिए, प्याज का रंग चेंज हुआ, और हम साथ ही थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 1/2 टीस्पून है वो हम डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने बॉयल करने में भी डाला था। प्याज देखें लाइट ब्राउन हो गई है, तो पिसी हुई हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल दी, और बहुत अच्छे से हमने भुनाई करनी है थोड़े थोड़े पानी डालने के साथ, और ताकि ये प्याज जो इस वक्त हमें इतनी खड़ी खड़ी नज़र आ रही है, ये घुटी घुटी हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने भूनते रहना है, और इतना भूना कि आप ये देखें कि प्याज जो है वो बिल्कुल हमने घोट ली है। सारा काम और सारा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है भुनाई से, और हमारे यहाँ के खानों में तो स्पेशल भुनाई होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसको हम बिल्कुल आधा आधा कप पानी डाल के बार बार भून रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से भुनाई हो रही है, मसाला जो है वो यकजान हो गया है, प्याज, मिर्चें, लहसुन अदरक,
बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रह रहा और बहुत अच्छा सा अरोमा उठ रहा है। बस ये हमारा मसाला जो है ऑलमोस्ट डन है। अब इसके साथ ही हम बॉइल्ड मगज़ जो है वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से इसकी भी भुनाई होगी। मगज़ फ्राई जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और जिन लोगों के सर में दर्द रहता है उनको तो लाजमी चाहिए कि वो मगज़ फ्राई खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। लास्ट में हम हसबे ज़ायक़ा नमक डाल रहे हैं और भुनाई हम यकजान करे जा रहे हैं। आखिर में गरम मसाला भी ऐड कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और प्री रमज़ान रेसिपीज़ भी हैं, ये सहरी के लिए भी आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग को भुनी हुई चीज़ें खाने का शौक़ होता है, तो इसलिए हम फ्राइड मगज़ भी सहरी के लिए बना सकते हैं। साथ में दही का इस्तेमाल करें ताकि प्यास ना लगे। मिर्चें भी डाल दी हैं, अच्छे से भुनाई भी हो गई है, ऑलमोस्ट डन है। हम आपको दिखाते हैं गार्निशिंग करके और डिश आउट करके। ये देखिए बस घी भी ऊपर आ गया है, कुटा हुआ दरदरा सा मोटा मोटा गरम मसाला भी ऐड हो गया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी एंड में ऐड करी है हमने और ये देखिए फाइनल लुक मगज़ फ्राई मटन का बेहतरीन सा तैयार हो गया है। खुशबू बहुत अच्छी है, जायका बहुत अच्छा है और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और हमें बताते रहना है कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे न्यू आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं और अपने किचन में बनाएं और सबसे दाद वसूल करें। इस रेसिपी के साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त रमज़ानुल मुबारक के दस्तरखान तक के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।